हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे शाफ्ट कपलिंग इन इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड। आज हम जानेंगे फ्लैंज कपलिंग के बारे में, वो भी प्रोटेक्टिव टाइप। फ्लैंज कपलिंग दो तरीके की होती है, एक प्रोटेक्टिव टाइप, एक अनप्रोटेक्टिव टाइप। अब मैं आपको बता दूं कि आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल ऑफ फ्लैंज कपलिंग प्रोटेक्टिव टाइप से, उसका असेंबली आज हम बनाएंगे। देखिए यहाँ पर डिटेल्स दी हुई है हमें प्रोटेक्टिव टाइप फ्लैंज कपलिंग की। इसको हम असेंबल करेंगे, इसके फ्रंट व्यू को आज हम जानेंगे, इसका फ्रंट व्यू हम कैसे ड्रॉ करेंगे फ्लैंज कपलिंग का। तो आप देखिए, सबसे पहले आप जानिए शाफ्ट और कपलिंग क्या है। तो देखिए, ए रोटेटिंग पीस ऑफ रॉड इज कॉल्ड अ शाफ्ट, यानी एक रोटेटिंग पीस ऑफ रॉड, यानी जो क्या होता है, एक पीस ऑफ रॉड होता है। मानिए कि पेंसिल को ही आप रॉड मान सकते हैं, जो क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। इसे ही हम क्या कहते हैं, शाफ्ट कहते हैं। इट इज़ यूज टू ट्रांसमिट पावर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। यह क्या होता है, पावर को ट्रांसमिट करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर शाफ्ट की मदद से। अब आप देखिए कपलिंग क्या है। अब आप देखिए कपलिंग क्या है, द अरेंजमेंट यूज फॉर ज्वाइनिंग टू पीसीज ऑफ शाफ्ट टुगेदर। यानी जो अरेंजमेंट हम बनाते हैं जिससे दो शाफ्ट आपस में क्या होती हैं, कनेक्ट होती हैं, वही क्या कहलाती है, कपलिंग कहलाती है, या शाफ्ट कपलिंग कहलाती है। आप ये देखिए, जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं फ्लैंज कपलिंग के बारे में, ये भी क्या है, एक शाफ्ट कपलिंग है। ये भी क्या है, शाफ्ट कपलिंग, जिसमें हम दो शाफ्ट को क्या कर रहे हैं, आपस में जोड़ रहे हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये हमारे पास है प्रोटेक्टिव टाइप फ्लैंज कपलिंग। प्रोटेक्टिव टाइप फ्लैंज कपलिंग, इसमें आप देखिए दो फ्लैंज है हमारे पास। ये क्या है, हमारे पास फ्लैंज है, इनमें क्या लगा हुआ है, हब। ये क्या है, हब है। ये जो पार्ट बाहर को आ रहा है, ये क्या है, हब है। ये देखिए, ये कैसा है, प्रोटेक्टिव टाइप है। ये कैसा है, प्रोटेक्टिव टाइप है हमारे पास कपलिंग। अब आप देखिए इसमें और क्या पार्ट लगा हुआ है, इसमें बोल्ट लगे हुए हैं। इसमें कितने बोल्ट लगेंगे, चार बोल्ट लगेंगे। और इसमें जो शाफ्ट हैं, ये कितनी शाफ्ट लगी हैं, देखिए दो शाफ्ट लगी हैं। और जो नट हैं वो भी इसमें कितने लगेंगे, यदि चार बोल्ट हैं तो चार बोल्ट के लिए चार नट हम यूज़ करेंगे। आप देखिए सबसे पहले, और देखिए इसमें क्या है, की वे कटा हुआ है, की वे कटा हुआ है। ये देखिए जिसमें की क्या की जाएगी, इंसर्ट की जाएगी। यहाँ पर एक की लगाएंगे, देखिए हम इस प्रकार से एक रेक्टेंगुलर की यहाँ पर लगेगी, जो शाफ्ट के अंदर फिट होगी, जिससे शाफ्ट क्या करे, जिससे शाफ्ट क्या होगी, हमारे पास फिक्स हो जाएगी और शाफ्ट लूज नहीं होगी। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए कि हम इसका फ्रंट व्यू किस प्रकार से ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले आप देखिए, आप क्या करें, एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लें। आप देखिए यहाँ पर एक क्या करें, आप एक सेंटर लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए इस प्रकार से, ये देखिए हमने एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर दी है। सबसे पहले आप देखिए, जो हमारे पास सबसे बड़ा डायमीटर है वो क्या है, हमारे पास 107, जो इसकी पूरी लेंथ है फ्लैंज की। तो अब 107 का हाफ हम सेंटर लाइन के ऊपर ले लेंगे और 107 का हाफ सेंटर लाइन के नीचे। तो ये हमारे पास कितना आएगा, 53.5 सेंटर लाइन के ऊपर और 53.5 सेंटर लाइन के नीचे हम ड्रॉ करेंगे। देखिए इस प्रकार से ये हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पर आप देखिए, ये हमने यहाँ पर ड्रॉ कर ली लाइन। अब आप देखिए यहाँ से हमें कितना जाना है, 20। तो आप यहाँ से 20 जाएंगे, देखिए इस प्रकार से एज इट इज़, जैसे यहाँ पर बना हुआ है डिटेल्स में, उस प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे ये पार्ट। ये पार्ट हम सबसे पहले ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए इस प्रकार से, आप देखिए ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर आप बना दें, एज इट इज़, जैसे यहाँ पर बना हुआ है वही पार्ट हमें बनाने हैं। ये हमने यहाँ पर बना दिया फ्लैंज। अब आप देखिए इस फ्लैंज में क्या लगा हुआ है, हब लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, हब, जिसका डायमीटर हमारे पास कितना है। इस हब का डायमीटर यहाँ पर हमें गिवन नहीं है, पर मैं आपको बता देता हूँ, इसका डायमीटर हमारे पास है 56। इसका डायमीटर हमारे पास है 56, यहाँ पर मैं शो कर देता हूँ, 56 है हब का डायमीटर। तो हम देखिए 28 ऊपर और 28 सेंटर लाइन के नीचे, ये देखिए 28 28। अब आप देखिए जो इसकी लेंथ है, ये हमारे पास कितनी है, गिवन है 40, यानी यहाँ से इसकी लेंथ कितनी है, 40 है। तो यहाँ से आप देखिए 40 हम चलेंगे इस प्रकार से, ये देखिए 40 हम चले, देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पर ड्रॉ कर दिया हमने, यहाँ देखिए अब हमने ड्रॉ कर दिया है इस प्रकार से। अब आप देखें यहाँ पर हमें और क्या, ये देखिए ये पार्ट बाहर निकला हुआ है, ये पार्ट यहाँ पर थोड़ा बाहर निकला हुआ है। तो इसका डायमीटर कितना है, 46। तो 46 का हाफ कितना हो जाएगा, 23 और 23, तो देखिए 23 और 23, 46। अब आप देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से
ये देखिए, और ये कितना बाहर निकला हुआ है, 2.5। तो 2.5 आप क्या करेंगे, बाहर चले जाएंगे इस प्रकार। ये देखिए 2.5 बाहर गए आप, इस प्रकार ऊपर चले जाएँ और इसको ज्वाइन कर लें। ये देखिए, ये हमने यहाँ पर ये जो पार्ट हमारा बाहर निकल रहा है इसको बना दिया। इस पार्ट को हम कहते हैं स्पाई गॉट। दिस पार्ट इज नोन एज स्पाई गॉट, स्पाई गॉट कहते हैं। ये स्पाई गॉट हमने यहाँ से बाहर निकाल लिया। अब आप देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये जो हब, ये पोर्शन है जहाँ हमारी शाफ्ट एंटर करेगी, इससे ऊपर वाला पोर्शन देखिए आप, इसका डायमीटर हमें इन्होंने यहाँ पर गिवन नहीं है, पर यहाँ से आप देखेंगे कितने में हमारी शाफ्ट आएगी। शाफ्ट का डायमीटर आप देख लें, शाफ्ट का डायमीटर है हमारे पास 28। कितना है शाफ्ट का डायमीटर, 28 है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 28 का हाफ 14 और 14 मार्कआउट करें इस प्रकार से, देखिए। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस प्रकार आगे बढ़ा लेंगे इसको, क्योंकि यहाँ पर हमारी क्या आएगी, शाफ्ट को हमें यहाँ पर इंसर्ट करना है। अब आप देखिए इसमें एक की वे भी बना हुआ है, तो की वे भी आप यहाँ पर ड्रॉ कर लें। की वे की डायमेंशन यहाँ पर गिवन नहीं है, तो आप यहाँ पर कुछ भी ड्रॉ कर लीजिए। इस प्रकार से ड्रॉ कर लिया हमने। अब आप देखिए इसमें क्या लगा हुआ है, एक यहाँ पर बोल्ट को फिट करने के लिए एक अरेंजमेंट इन्होंने यहाँ पर बना रखा है। तो आप देखिए इसकी डायमेंशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये यहाँ पर 9 है, 9, और ऊपर से हमें कितना गैप छोड़ना है, 4 का गैप छोड़ना है। यहाँ पर आप देखिए 4 का गैप हमने छोड़ दिया है, ये हमने बना दिया। इस पे भी जो सेंटर लाइन हमें ड्रॉ करनी है, जी सेंटर लाइन हमारी क्या कहलाती है, पिच सर्कुलर डाया। ये देखिए, क्योंकि इसमें क्या फिट होंगे, हमारे बोल्ट फिट होंगे। तो देखिए इसकी डायमेंशन भी हमें गिवन है 76। तो आप देखिए 76 का हाफ हमारे पास होगा 38। तो 38 आप ऊपर चले जाएँ यहाँ पर, और 38 आप नीचे आ जाएँ। तो यहाँ पर आप दो सेंटर लाइन ड्रॉ कर देंगे इस प्रकार से। ये देखिए एक सेंटर लाइन हमने ड्रॉ कर दी, ऊपर भी हम एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ देखिए ड्रॉ कर दी, ये हमने पहला पार्ट यहाँ पर बना दिया है। अब आप देखिए जो पार्ट में जिस प्रकार से हैचिंग है उस प्रकार से हैचिंग कर दीजिए। यहाँ पर आप ये भी दिखा दीजिए शैंक को, जो हमारे पास कितना है, 8 mm है, 8 है। बिकॉज यहाँ पर आप देखिए, क्योंकि जो यहाँ पर बोल्ट हमारे पास इसमें हम इंसर्ट करेंगे, इस बोल्ट की जो शैंक का डायमीटर है वो कितना है, 8। तो यहाँ पर 8 हम क्या करेंगे, 8 यहाँ पर डिस्टेंस खोल देंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या आएगा, हमारे पास बोल्ट आएगा। अब आप देखिए यहाँ पर हैचिंग हो रही है, उस पार्ट को आप हैच कर दीजिए एज सेम एज इट इज़, ये पार्ट यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। अब आप देखिए हमने एज इट इज़ ये पार्ट यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। अब आप क्या करेंगे, जो सेकंड फ्लैंज है इसको इसमें ज्वाइन करेंगे। तो देखिए जो ये गैप है यहाँ पर स्पाई गॉट का, ये इस जो यहाँ पर हॉलो पार्ट है इसके अंदर आ जाएगा। अब आप देखिए जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो देखिए कैसा दिखेगा। अब आप यहाँ पर देखिए कि हमने एज इट इज़ फ्लैंज 1 और फ्लैंज 2 को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अब आप देखिए जो हमारे पास ये पूरी एक ही शाफ्ट है, ये क्या है हमारे पास, ये जो शाफ्ट है इसको आप क्या कर दें, ज्वाइन कर दें, क्या कर दें, कपलिंग कर दें इस शाफ्ट की। तो अब आप देखिए इसको क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस शाफ्ट के यहाँ पर आप देखिए जो इसका डायमीटर है वो हमारे पास कितना, 28। तो 28 डायमीटर है, तो इस प्रकार आप इस शाफ्ट को आगे बढ़ा लेंगे। यहाँ पर आप देखिए इस तरीके से यहाँ पर आप शाफ्ट को आगे बढ़ा लेंगे, और इस प्रकार से आप शाफ्ट को शो कर दें, यहाँ पर दिखा दें, ब्रोकन शो कर दें इस प्रकार से। देखिए शाफ्ट हमने यहाँ पर शो कर दी, यहाँ पर भी आप क्या करें, शाफ्ट को शो कर दें। यहाँ पर आप देखिए इस तरीके से शाफ्ट हमने शो कर दी है। अब आप देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, अपर हाफ इन सेक्शन है, अपर हाफ इन सेक्शन है। तो अपर में जो अपर पार्ट है इसमें आपको क्या होगा, ये जो फ्लैंज है ये आपको शो नहीं होगा सेंटर लाइन के अबव। ये देखिए ये पार्ट आपको शो नहीं होगा, ये देखिए यहाँ पर आपको पूरी शाफ्ट शो होगी, ये देखिए इस प्रकार से, पर सेंटर लाइन के नीचे, क्योंकि ये लोअर हाफ इन सेक्शन नहीं है, तो यहाँ पर हमें बाहर की फ्लैंज दिखेगी, और ये जो अंदर ये शाफ्ट है हिडन लाइन से हमको शो करनी पड़ेगी। यहाँ पर आप देखिए हिडन लाइन से आप इसको शो कर देंगे, यहाँ पर आप देखिए हिडन लाइन से हमने शो कर दिए, और जो बाहर आ रहा है पार्ट ये फिर आप इसको प्रॉपर लाइन से शो कर देंगे। यहाँ पर आप देखिए ये हमने शो कर दिया है यहाँ पर। अब आप देखिए यहाँ पर एक क्या है, की वे बना हुआ है, इसमें हम क्या करेंगे, की इंसर्ट कर देंगे। देखिए शाफ्ट में भी देखिए एक की का स्लॉट बना हुआ है, इसमें आप देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ तक जो फ्लैंज 1 है यहाँ तक क्या करेंगे, इसमें एक की वे बना देंगे। अब देखिए इसमें एक की क्या करेंगे, हम इंसर्ट करेंगे, वो रेक्टेंगुलर की है, यहाँ पर आप देखिए इस प्रकार से यहाँ पर हमने क्या कर दी, एक की को हमने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए की हमने यहाँ पर इंसर्ट कर दी, देखिए की
यहाँ पर हमने इंसर्ट कर दिया, देखिए यहाँ पर की इंसर्ट हो गई है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो सेकंड साफ्ट है हमारी, जो सेकंड साफ्ट है, इस साफ्ट को भी आप क्या करेंगे, देखिए इसमें भी एक की लगी हुई है, तो एक की देखिए इस की को भी आप यहाँ पर ज्वाइन कर दें। देखिए ये हमें आउटसाइड से दिखेगी इस प्रकार पूरी, और अंदर कैसे दिखेगी, हमें कैसे दिखेगी, हिडन लाइन से शो होगी। देखिए यहाँ तक देखिए हिडन लाइन से शो होगी लोअर हाफ इन सेक्शन में, ये देखें, और अपर हाफ इन सेक्शन में ये प्रॉपर हमको लाइन से शो होगी। देखिए इस तरीके से, ये देखिए इस प्रकार से हमने यहाँ पर शो कर दिए, की वे भी आपको हिडन लाइन से शो करना होगा। यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर की भी ड्रॉ कर दी है दोनों साफ्ट में, दोनों साफ्ट में हमने की भी शो कर दी। अब आप देखिए, अब आपको क्या करना है, ये जो बोल्ट है इसको यहाँ पर इंसर्ट कर दें। ये बोल्ट है, ये देखिए जो बोल्ट का डायमीटर है, ये वो यही डायमीटर है जो यहाँ पर हमें गिवन है, शैंक डायमीटर। ये देखिए इस प्रकार से यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक हेक्सागनल बोल्ट ड्रॉ कर लेंगे। इस प्रकार से एक हेक्सागनल बोल्ट आप ड्रॉ कर देंगे यहाँ पर। इसकी डायमेंशन आपको पता है, हेक्सागनल बोल्ट हम यहाँ पर कैसे बना रहे हैं, जो इसका हेड है इसको आपने यहाँ पे इंसर्ट किया है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, हेक्सागनल बोल्ट का हेड बन गया। इस पर देखिए थ्रेड कटी हुई है, इस पर क्या कटी हुई है, थ्रेड। इस थ्रेड पर ही हम क्या चढ़ाएंगे, नट को चढ़ाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम नट ड्रॉ करते हैं, ये देखिए हेक्सागनल नट हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं, ये देखिए इस प्रकार से, ये देखिए। इस नट को भी आप दोनों साइड से क्या दिखाएंगे, चैम्फर दिखाएंगे। देखिए चैम्फरिंग नट में आप दिखाएंगे दोनों तरफ से, ये देखिए यहाँ पर ये हमारे पास क्या बन गया, बोल्ट में हमने क्या ड्रॉ कर दिया है, यहाँ पर नट को ड्रॉ कर दिया है। यहाँ पर आप देखिए इस प्रकार से आप इसको शो कर दें कि यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, बोल्ट में नट भी शो कर दिया। तो इस प्रकार हमारे क्या बन गया, फ्रंट व्यू बन गया, जिसमें हमने सारे पार्ट्स को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अब आप क्या करें, यहाँ पर डायमेंशन शो कर दें और इन पार्ट्स के नेम को भी शो कर देंगे। देखिए जैसे साफ्ट आप यहाँ पे लिख दें, साफ्ट है ये हमारे पास साफ्ट, इसको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ शाफ्ट। फ्लैंज, ये हमारे पास दो फ्लैंज हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फ्लैंज। ये देखिए की वन की टू आप इस प्रकार लिख सकते हैं, की वन ये हमारे पास है, की टू ये हमारे पास है बोल्ट, और ये हमारे पास है नट। ये देखिए इस प्रकार से यहाँ पर ये हमने इसका फ्रंट व्यू शो कर दिया है, की वन की टू फ्लैंज साफ्ट, यहाँ पर आपने सब कुछ यहाँ पर शो कर दिया। अब आप यहाँ पर क्या करें, डायमेंशन को शो कर दें। अब आप देखिए यहाँ पर हमने डायमेंशन भी शो कर दी है, हब का डायमीटर भी शो कर दिया है, बोल्ट का यहाँ पर हमने शैंक डायमीटर शो कर दिया है, ये हमने डायमेंशन यहाँ पर सभी शो कर दी हैं। आप देखिए ये हमने बना दिया फ्रंट व्यू अपर हाफ इन सेक्शन, किसका, फ्लैंज कपलिंग प्रोटेक्टिव टाइप का अपर हाफ इन सेक्शन यहाँ पर हमने ड्रॉ कर दिया है। यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप त्रिशक्ति अकेडमी के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।